सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के सुविचार से। जिंदगी हमें सिखाती है कि अगर सुकून और शांति चाहिए तो दूसरों की शिकायत करने से बेहतर है कि हम खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से अच्छा है कि हम अपने पैरों में ही जूता पहन लें। दूसरों द्वारा की गई गलतियों से सीखो। अपने ऊपर प्रयोग करके सीखने में आपकी आयु कम पड़ जाएगी। आज का पंचांग 17 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार, वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि, रात्रि 8:04 तक रहेगी। इसके उपरांत एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। धनिष्ठा नामक नक्षत्र रात्रि 1:36 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात अशुभ समय सुबह 10:25 से 11:27 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात शुभ समय सुबह 11:40 से 12:30 तक रहेगा। आज चंद्रमा मकर राशि पर दोपहर 12:18 तक रहेगी। इसके उपरांत कुंभ राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मेष राशि पर रहेंगी। धनुराशि 17 अप्रैल 2020 दिन शुक्रवार, आपके मन में कुछ ऐसा चल रहा है जिससे आप परेशानी महसूस कर रहे हैं। आप पिछले कुछ बातों के बारे में सोचकर परेशान हैं। अपने किसी करीबी दोस्त या संबंधी के साथ अपनी भावनाएं बांटेंगे। आपको काफी अच्छा महसूस होगा। ये सारी घटनाएं आपको मजबूत बनाने के लिए हैं। आपके आसपास ऐसे कई लोग हैं जो आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि आप काम में अपनी समझदारी का प्रयोग करते हैं। आपकी दिनचर्या से आपको लाभ होगा, लेकिन आप इसे अकेला महसूस कर सकते हैं। अगर ऐसा है तो अपने परिवार के साथ मस्ती करें। आज आपकी कोई मनचाही मुराद पूरी होने के संकेत कार्ड से दे रहे हैं। आपका ऐसा कोई मौका मिल सकता है जिसका इंतजार आप लंबे समय से कर रहे थे। आपको इसके लिए तैयार रहना होगा। धन लाभ और प्रतिष्ठा बढ़ने के योग हैं। आपको अपने लोगों के साथ कुछ मामलों को गंभीरता से बातचीत करके सुलझाने होंगे। तनाव से बचने की कोशिश करें। आपका प्यार भरा रवैया और बच्चों जैसा व्यवहार फायदेमंद होने वाला है। आपका साथी आप पर मेहरबान रहेगा। सावधानियां, आप इस समय खुद को कुछ मनचाही स्थितियों में पा सकते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान रखें। आपको ऐसा भी लग सकता है कि कुछ लोग आपके नकारात्मक पक्ष को सबके सामने लाना चाहते हैं। अचल संपत्ति या वाहन जैसी चिंताओं से निपटना जरूरी है। लव लाइफ की बात करें तो आपका अपने साथी के साथ लगाव काम के दबावों के चलते कम होता दिखाई दे रहा है, लेकिन आप इसको अर्थपूर्ण बनाने के लिए अपनी कोशिश तो कर ही सकते हैं। अगर आप इस संबंध को लेकर गंभीर हैं तो आपको उसी आकर्षण को वापस पाने की कोशिशें करनी है, नहीं तो अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखें। अगर किसी का आपके लिए अधिक महत्व नहीं है तो व्यर्थ के प्रयासों में समय क्यों नष्ट करना। करियर की बात करें तो प्रमुख परिवर्तन आज आपके कार्य पर होने की उम्मीद है। वास्तव में आपके आय अर्जित करने के साधन में परिवर्तन आ सकता है और आप ऐसे कार्य में लिप्त हो सकते हैं जिसको आप करना चाह रहे थे, परंतु आपने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा अवसर आपको मिल सकता है। आप अपने कार्य नवीन विचारों एवं नए दृष्टिकोण के साथ कर सकते हैं। सेहत की बात करें तो सामान्यतः आप बहुत स्पष्ट सोचते हैं, लेकिन आज अपनी समस्याओं और असुरक्षाओं के चलते तार्किक तरीके से नहीं सोच पाएंगे, जिससे आपको मानसिक अशांति आएगी या आपके लिए अच्छा नहीं रहेगा। आप स्वस्थ रहने के लिए संतुलित भोजन करें और किसी भी प्रकार का टेंशन ना लें। आज का उपाय, आज आप गरीबों को चावल का दान करें। दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।